नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज का वीडियो बनने जा रहा है जिसके अंदर हम नीट के ऊपर, यानी कि जो आपका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए नीट का जो प्रोसीजर है उस पर सुप्रीम कोर्ट का नियम आया है। और नियम ये आया है कि पूरे देश में चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो मेडिकल की तैयारी करा रही है वो नीट को फॉलो करेगी, अपना और कोई प्रोस्पेक्ट फॉलो नहीं करेगी। ये एक लंबे अरसे से चलता आ रहा, लगभग 8 साल से चलता आ रहा एक केस है जिसमें बार बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो थी वो अपनी मनमानी करने के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, अपने एजुकेशन के प्रोसेस में अपने टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए बार बार सरकार पर अलग अलग तरीकों से कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर रही थी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को लिया गया, जिसमें 5 जजेस की टीम ने डिसीजन लिया मिलकर। और पूरे देश के विद्यार्थियों को अलग अलग टेस्ट के चक्कर या परेशानी से बचाने के लिए एक कॉमन टेस्ट बना दिया नीट। इस नीट के आधार पर पूरे देश में अब जितने भी बच्चे 12वीं पास करेंगे और मेडिकल का सपना देखेंगे वे विद्यार्थी एक ही एग्जाम देंगे। अलग अलग एग्जाम के चक्कर में इधर उधर उन्हें ना तो अलग अलग राज्यों में भागना पड़ेगा, ना ही अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर अलग अलग कॉलेजेस की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। जहां पर आपका एक एग्जाम होगा जिसके बिहाफ पर आप एक ही जगह जाकर काउंसलिंग अटेंड करेंगे और अपना एडमिशन पाएंगे। इसके बारे में बाकी डिटेल में किस प्रकार से पॉइंट क्लियर हुए वो आगे धीरे धीरे देखते हैं। लेकिन इसके अंदर जितने भी व्यूज थे उनमें ज्यादातर पिटीशन करने वाले जो यूनिवर्सिटीज थी या जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज के कॉलेजेस थे, यहाँ माइनॉरिटी जाति को लेकर नहीं है, याद रखिएगा, माइनॉरिटी वो है जिन्होंने अपनी एक लैंग्वेज के आधार पर अलग से, जैसे क्रिश्चियंस ने अपना यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज अलग बना दिया तो वो माइनॉरिटी बन जाता है, उसको माइनॉरिटी कॉलेज बोला गया। तो उन्होंने अपनी बातों को रखा कोर्ट के आगे, लेकिन कोर्ट की बेंच ने सारी चीजों को ध्यान में रखकर, सारे फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर फाइनल डिसीजन दिया। तो आइए देखते हैं कैसे ये सारा का सारा जंजाल शुरू हुआ और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पर हथौड़ा चलाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों, IAS विद हरी मोहन हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फर्दर इसी प्रकार की कोई भी जानकारी जो आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य में आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, वो सारी जानकारियां हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई गाइडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर आप कहीं पर भी अटके हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो इन गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स या IDs पर टच में रहिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यदि आप UPSC या स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे रेडीमेड पेनड्राइव सिलेबस आप घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलता रहेगा और किसी भी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं आएगी, और अच्छा रिजल्ट एक्सपर्ट की टीम के द्वारा आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो नीट का पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सारा चक्कर है क्या। दोस्तों, ये केस लड़ा गया 2 हिस्सों में, जिसमें से एक तरफ था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जबकि एक तरफ थे अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, कर्नाटक प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज एसोसिएशन ने मिलकर कॉलेज पर एक केस किया था, जिसमें नीट में 2010 के अंदर या 11 के अंदर आया हुआ एक डिसीजन था कि सबको नीट के अकॉर्डिंग एडमिशन कंडक्ट करने पड़ेंगे, कोई अपना अलग से टेस्ट नहीं होगा। अब इस बात पर अलग अलग कॉलेजेस ने अलग अलग तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स को हनन पाया, जिनमें लगा कि भाई इस तरीके से तो जाहिर सी बात है हमारी खुद की दुकानें नहीं चलेंगी, जिसके अंदर हम अलग अलग पेमेंट बेसिस पर, मैनेजमेंट बेसिस पर कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बात पर उनकी रोक लग जाएगी। तो इस बात से वो काफी परेशान हुए। तो इसके लिए सरकार ने क्लियर नोटिफिकेशन लगा दिया कि चाहे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो, नीट कंडक्ट
होगा। ये जजमेंट जो लिया गया है, ये 5 जजेस की टीम ने लिया गया है, एक तरीके से जजमेंट लिया गया 4 जजेस की टीम के द्वारा, जिसमें विनीत सारन, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह, ये 2013 के जजेस थे, जिसमें से आगे के फर्दर आगे डिस्कस होंगे। अब इसमें क्या था कि नीट नेसेसरी है किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए, चाहे अनएडिड हो। अनएडिड का मतलब होता है चाहे वो सरकार से किसी प्रकार की सुरक्षा या सहायता प्राप्त कर रहा हो या ना कर रहा हो, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन्हें टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ चीजें समझिए। पहले क्या था, ऑल इंडिया मेडिकल, जो आपका प्री मेडिकल एग्जाम टेस्ट होता था, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वल्लूर या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, और हर एक इंस्टीट्यूशन अलग अलग प्रकार का टेस्ट कंडक्ट कराता था। अब इसके अंदर 12वीं के बाद बच्चे जो मेडिकल जाते थे वो सब में फार्म भरते थे। अब कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही बच्चा, जो कई बार होता था कि तेज पढ़ने वाला हो या ज्यादा पढ़ने वाला हो, वो 5 या 6 यूनिवर्सिटीज के या 5 अच्छे एग्जाम्स के अंदर टॉपर बन जाता था। एडमिशन एक में ही लेगा, लेकिन बाकियों की सीट तब तक होल्ड पर रहेगी जब तक वो एक जगह फिक्स नहीं हो जाता। तो इस परिस्थिति के अंदर बहुत सारी सीटें खाली रह जाती थी, जो बाद में पेमेंट और डोनेशन बेसिस पर दी जाती थी। इसके बाद हर एक बच्चे को लॉन्ग ड्यूरेशन होता था काउंसलिंग का, तो बच्चा जो होता था फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के इंतजार के अंदर अंदर लगभग अपने 4 महीने बर्बाद कर देता था। उसके लिए अलग अलग एग्जाम जो भरे भी जाते थे तो बच्चा इतना टेंशन में पजल हो जाता था कि 11 या 15 जगह पे टेस्ट देने के लिए 15 जगह भागना, 15 जगह एनरोलमेंट की तैयारी करना, टेंशन में रहना कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, और फाइनली एक रास्ता कहीं पर दिखाई ना देना। इससे प्रॉब्लम ये होने लग गई थी कि विद्यार्थियों में दोस्तों स्ट्रेस बढ़ने लग गया था, कन्फ्यूजन होने लग गया था, वो परेशान होने लग गए थे करें क्या। इसी बीच में इसी वजह से कई बार एडमिशन ना मिलने से, कई फेलियर की वजह से बच्चे सुसाइड के केसेस आने लग गए कि इसमें यूनिवर्सिटीज जो थी वो पैसा लेकर एडमिशन ले रही थी, गलत तरीकों से माल प्रैक्टिसेस कर रही थी और बच्चे की उम्मीदें टूट रही थी। इस बात पर ध्यान में रखते हुए सरकार ने सब विद्यार्थियों को बराबर कर दिया और सारी यूनिवर्सिटीज को बराबर कर दिया। विद्यार्थी वो आएगा जिसमें टैलेंट होगा, मेहनत होगी, और यूनिवर्सिटी वही होगी जो नीट को कंडक्ट कराएगी। अब सरकार ने 2012 में डिसीजन ले लिया कि भाई हर बंदा यही करेगा। काउंसलिंग कर सकते हो आप अलग अलग तरीकों से, टाइम ले लो जितना मर्जी, लेकिन नीट सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब नीट का कंडक्शन आया तो ये इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज थी इनको अपनी रिलीजियन के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एडमिशन जो मिलते थे या डोनेशन जो मिलता था उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस था उस पर असर पड़ा, जिस वजह से इन्होंने परेशान होकर के इसको, इस जो डिसीजन का नीट था इसको चैलेंज किया कोर्ट के अंदर। अब जब कॉलेज जो कोर्ट में चैलेंज किया गया 2012 के अंदर और कहा गया कि ये एक तरीके से माइनॉरिटीज जो कॉलेजेस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पर एक तरीके से अधिकार जमाया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट के अंदर एक लाइन बोली जाती है जिसमें आपको अपनी मर्जी से काम करने का, कमाने का और एक ईमानदारी से रोजगार देने का अधिकार है। लेकिन जब कोर्ट में इस बात को ले जाया गया 2030 में माइनॉरिटीज के फेवर में डिसीजन आया कि भाई असंवैधानिक तरीकों से नीट को अप्लाई किया गया है जिसे हटाया जाए, इस बात पर बहुत खुशी हुई। माइनॉरिटीज कॉलेज जो थे अपनी मर्जी से एडमिशन्स लेने लगे, फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर चलने लग गया। लेकिन बाद में जब देखा गया कि काफी सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जो ईमानदार बच्चे थे, मेहनती थे, स्कोरिंग बच्चे थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छे इंजीनियर्स टाइप के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको सोचो, ये देश का भविष्य है भाई। अगर इनको पैसे के नाम पर एडमिशन नहीं मिल रहा है और कुछ कॉलेजेस की करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से देश को अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, ये भी तो आप सबके साथ एक तरीके से अन्याय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ये नियम था 2013 का कि माइनॉरिटीज को भाई अलाउड है ये और वो, इस पर दोबारा से फाइल ओपन हुई, काफी सारी कंप्लेंट्स जाने लगी तो कंप्लेंट्स को दोबारा से सुना गया।
और दोबारा से सुनने के बाद 2003 के अंदर डिसीजन लिया गया कि भाई क्या डिसीजन था कि सबको नीट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन लेने हैं, जो नहीं लेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यानी कि विदाउट कंफर्मेशन ऑफ नीट आप किसी को एडमिशन नहीं दे सकते। अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया कि भाई केस चलेगा, और इस केस के दौरान जो प्रॉब्लम होगी, जिसको जो चाहिए वो केस के अंदर डिसीजन लेंगे, जब डिसीजन फाइनल होगा तब देखेंगे, लेकिन इस दौरान भी एडमिशन जो होंगे वो नीट के आधार पर ही होंगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर से कोर्ट में फिर से केस लड़ा गया। सभी जितने भी माइनॉरिटीज के यूनिवर्सिटीज थे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, अलग अलग बेसिकली कॉलेजेस थे जो नीट के एक्सेप्शन में अलग अपने टेस्ट रखते थे, उन्होंने कोर्ट में केस डाला। उन्होंने केस डाला कि एक तरफ तो हम सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं ले रहे हैं, दूसरी चीज हमारे ही अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके अंदर हमारे अधिकार 19(1)(g), (30), (25), (26), (29)(1), इसके अंदर संविधान को ध्यान में रखते हुए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे कामों में दखलअंदाजी दे रही है और उनको बिगाड़ रही है, एक तरीके से काम नहीं करने दे रही। तो कोर्ट ने उनकी सुनवाई करने के दौरान अलग अलग प्रकार से अपनी पॉइंट्स को क्लियर किया, और जो जो उन्होंने सेक्शंस लगाए उन सेक्शंस को सरकार ने सुना। अब कोर्ट जो थी वो चैलेंज को देख रही थी, जो एमसीआई के ऊपर और डेंटिस्ट एक्ट के आधार पर लगाया गया था नीट के ऊपर की मैंडेटरी है एडमिशन के लिए, तो उसमें आर्ग्यूमेंट किया गया कि स्टेट को कोई पावर नहीं है। इसमें इट वाज आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट दैट कि स्टेट हैज नो पावर टू कंपेल अनएडेड इंस्टीट्यूशन टू एडमिट स्टूडेंट्स अ सिंगल सेंट्रलाइज नेशनल एग्जाम नीट। द अनएडेड professional colleges have the fundamental rights to choose the method and the manner in which admit its students subject to satisfying triple test having fair ट्रांसपेरेंट एंड अनएक्सप्लॉयटिव प्रोसेस। सरकार को ये बोला गया कि माइनॉरिटीज के जितने भी कॉलेजेस हैं वो किसी प्रकार की सुविधा नहीं ले रहे हैं, एक तरफ सुविधा नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने भी हर चीज को ब्रीफ किया, ब्रीफ करने के बाद रिप्लाई किया। 108 पन्नों का लॉन्ग वर्डिक्ट आया, जिसमें सारे डिसीजन क्लियर किए गए एक एक करके, जिसके अंदर सरकार ने क्लियर वर्डिंग्स के अंदर एक बात बोली, क्लियर वर्डिंग्स के अंदर एक बात बोली, हालांकि मैं डिसीजन भी पढ़ता हूं लेकिन उन बातों को समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज, कोर्ट ने एक बात बोली कि आपके प्रोसेस के आधार पर माल प्रैक्टिसेस और करप्शन के बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, जिसके अंदर हर स्टेट का बच्चा इधर उधर भागने की कोशिश करता है और अलग अलग स्टेट्स में जाकर के फिर उसके ऊपर अलग अलग बार्स लगाए जाते हैं डोनेशन, और डोनेशन के बाद और से फिर से बिल्डिंग फंड्स और चार्जेस के नाम पर उससे बार बार लूट होती है, जो कि आम एक अगर जो बच्चा स्कॉलर है वो देने में सक्षम नहीं है तो दिक्कत बनती है। तो ये माल प्रैक्टिसेस को रोकने का प्रोसेस है। दूसरी चीज, कोर्ट ने एक और डिसीजन बताया कि आपको जो अधिकार हैं वो तब तक आपके अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जब तक वो एक बड़ी समूह को वायलेट नहीं कर रहे, बड़े समूह का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां पर विरोध बड़े स्टूडेंट्स यानी भारी मात्रा में स्टूडेंट्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे आपके अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इन बातों को लिया गया। अब जैसे राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(g) और (30) ये डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट कम इन द वे ऑफ सिक्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉग्निशन ऑफ मैरिट इन द मैटर ऑफ डिसीजन। इट इज ओपन रेगुलेटरी द कोर्स ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन इंश्योरिंग स्टैंडर्ड। इट इज ओपन इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कोर्ट ने क्लियर बोला कि आपको अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन सरकार को उल्टे कोर्ट को यह भी एक अधिकार है कि जहां पर मास की बात आएगी, ज्यादा लोगों की बात आएगी, ज्यादा लोगों के अधिकारों को देखा जाएगा, तो वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है और उसको किसी भी प्रकार से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 2। अनइम्प्रेस्ड विद द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम द बेंच सेड। बेंच ने कहा बाय एंड लार्ज एट प्रेजेंट एजुकेशन को डिवॉइड किया जा रहा है, जहां पर आवश्यकता होनी चाहिए एक्चुअल नॉलेज की, चैरिटी की, कम्युनिटी कॉमोडिटी को देखते हुए यहां पर एक तरीके से एविल सिस्टम बन गया है, बुराइयां आ गई हैं सिस्टम के अंदर, फेयरनेस नहीं रही है, ये खा रही है फेयरनेस को।
मेरिट को हटाकर कमजोर विद्यार्थी को पैसे के दम पर बिठाया जा रहा है और बाद में वही विद्यार्थी चैलेंज करता है जॉब ना मिलने के आधार पर जिसको टैलेंट नहीं है। तो इस परिस्थिति में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चाहे कोई भी हो, एडिड हो अनएडिड हो, प्रिंसिपल्स की बात आएगी तो वहां पर सबको सेम नियम फॉलो करना है। अब यहां पर 21 ये आर्टिकल 19(1)G जी क्या कहता है, यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट टू प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज रीजनेबल, कहता है कि जब सभी के अधिकारों की बात आती है तो इंडिविजुअल्स को इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा और उसी के आधार पर जो आपका अधिकार है कि आप अपनी मर्जी से काम करें उस पर सरकार जो है माल प्रैक्टिसेस के आधार पर रोक लगा सकती है और उसे प्रोपोर्शनेट करने के बाद नीट को रीजनेबल ठहरा सकती है। तो इस प्रकार के सरकार ने जो डिसीजन दिए जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो अप्लाई किए गए जितने भी बेसिकली रिव्यूज थे उसको सरकार ने क्लियर कर दिया और एक और चीज क्लियर करी, देयर इज नो राइट गिवन इन माल एडमिनिस्टर, कोई अधिकार नहीं है बेईमानी के लिए एजुकेशन में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन इज इंपेरेटिव टू सबवर्ट द नेशनल इंटरेस्ट, मेडिकल एजुकेशन या किसी भी प्रकार की एजुकेशन जो है अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की छिड़खानी की जाती है उसे सरकार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मेरिट के साथ किसी भी प्रकार का अनकॉम्प्रोमाइज वे नहीं होना चाहिए, यदि टैलेंट है तो उसको एजुकेशन का पूरा अधिकार है। तो इस प्रकार से सरकार ने हर प्रकार के जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ब्लेम से उनको नकारा और नकारने के बाद अपने व्यूज क्लियर किए। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के अंदर भी एग्जैक्टली मैं यहां पर यही रीड कर देता हूं। रीड करने का क्या है भाई, देखिएगा, रेगुलेटरी मेजर्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग नीट इज टू ब्रिंग द एजुकेशन विद इन द रियलम ऑफ चैरिटी एंड चैरिटी विच कैरेक्टर इट हैज लॉस्ट। It intended to weed out evil from the system and very small practices which decade the system. Clear एक wording बोली गई कि जिससे system को एक तरीके से जंग लगे, दीमक लगे और system खराब हो और अच्छी चीजों की जगह कमजोर या बुरी चीजें सामने आए उसके लिए सरकार किसी भी प्रकार के अधिकार को छीन सकती है और उनके लिए आपको सही रास्ते मानने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा और ये किसी भी प्रकार के एविल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइनली अब इसमें सरकार का क्या इंटरफेरेंस है, स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो भाई सरकार का बहुत सिंपल सा इंटरफेरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ लिमिटेशन ऑन विच पावर ऑफ स्टेट टू इंटरफेयर विद लाइफ लिबर्टी एंड राइट। However, the concept of limited government cannot be extended to a level when it defeated to the very national interest. सरकार जो कोर्ट है उसने एक हवाला देते हुए पॉइंट को क्लियर किया कि फंडामेंटल राइट्स तब तक फंडामेंटल राइट्स हैं जब तक उससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बातें सामने आती रहेंगी। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बाद जब वो बातें नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर कंडक्ट होंगी, जहां पर सभी लोगों को फॉलो किया जाएगा, जहां पर एक मास यानी बहुत बड़ा वर्ग जुड़ जाएगा, वहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान ना रख के नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो किया जाएगा और सभी प्रकार की बैलेंसिंग मेंटेन की जाएगी जिस पर कोई भी प्रकार का माल प्रैक्टिस एक्सेप्ट नहीं होगा। इस नियम के बाद जो कि 29/4/2020 को डिसीजन आया है सरकार का, इस नियम के बाद में जितने भी अब कॉलेजेस हैं, जितने भी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अंडर एडेड यूनिवर्सिटीज या माइनॉरिटीज कॉलेज हैं, वो ना तो अब अपने दम पर विदाउट कोई टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, नीट के अलावा कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, प्लस उन्हें एडमिशन के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसमें हर उस वर्ग को कवर किया जाएगा जिसमें टैलेंट होगा, और अगर ऐसा कोई भी नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।